हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के पुनरावृत्ति 1 और 2 को हल करेंगे। यह अभ्यास पुस्तिका समग्र शिक्षा अभियान के तहत मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से आपके विद्यालय में पहुँचा दी गई है। यह पुस्तकें आपको विद्यालय से प्राप्त होगी, जिसे आपको हल करना है। तो हम इसी की कड़ी में देखेंगे आज सप्ताह 10 दिवस 1 में पुनरावृत्ति 1 को कैसे हल करेंगे। तो इसको जानेंगे इससे पूर्व, अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। हम देखेंगे बच्चों इसमें प्रश्न क्रमांक 1, सही में राइट और गलत में क्रॉस का निशान लगाना है। तो हम पढ़ेंगे इसमें पहला, हमें बासी भोजन करना चाहिए, तो ये सही है या गलत है? तो गलत में क्रॉस का निशान लगाना है, इस तरह से हम लगा देंगे। सेकंड है, पेड़ों को पानी देना चाहिए, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, तो इसमें राइट का निशान लगा देंगे। तीसरा है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, करना चाहिए तो राइट का निशान। पानी को बहाना चाहिए, नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पानी अनमोल है, इसलिए क्रॉस का निशान लग जाएगा। हमें रोज़ स्कूल जाना चाहिए, जाना चाहिए, इसमें राइट का निशान लग जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2 है, जानवरों को उनके भोजन के आधार पर मिलान करिए। अब देखिए आप यहाँ पर बैल है तो घास ये खाता है, और यहाँ पर खरगोश है ये मूली खाता है, तो इस तरह इसमें लगा लेंगे। त्रुटि बस छूट गया है, तो इसको लगा लेंगे आप। इसके बाद छिपकली जो है कीड़े मकोड़े खाती है, बिल्ली दूध पीती है, चूहा जो है अनाज को खाता है, तो इस तरह हम इसमें मिलान कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है, पेड़ पर, जमीन पर, पानी में, बिल में रहने वाले 2-2 जानवरों के नाम लिखिए। जैसे पेड़ में रहने वाले बंदर गिलहरी, जमीन में रहने वाले कुत्ता बिल्ली, पानी में रहने वाले मगरमच्छ और मछली, बिल में रहने वाले सांप और चूहा, इस तरह से हम लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 4 है, जानवरों के 2-2 नाम लिखिए, पंख वाले तो मोर और कौवा, पूंछ वाले बंदर और गाय, तैरने वाले मछली और मगरमच्छ, रात में जागने वाले उल्लू, और जो आपको पता हो वो आप लिख लें। यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5, हम पेड़ों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? तो पेड़ों की देखभाल करने के लिए हमें समय समय पर पानी देना चाहिए, जानवरों से बचा करके रखना चाहिए, तब वह पेड़ सुरक्षित हो पाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 6, पत्तियों को पहचान कर उनके पेड़ पौधों के नाम लिखिए। ये पत्ती जो है पीपल की पत्ती है, आम की पत्ती, यहाँ पर केला की पत्ती इस तरह होती है, और नीम की पत्ती, ऐसे हम पहचान करके उनके नाम लिख देंगे। प्रश्न 7 है, दिए गए बर्तनों में कितने गिलास पानी आएगा, अनुमान लगाइए और लिखिए। अब यहाँ पर बाल्टी बनी हुई है, तो लगभग यहाँ पर 35 गिलास जो है पानी इसमें आएगा, एक गिलास में एक ही आएगा, और जग है तो 7 इसमें आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 8, नीचे दी गई तालिका में पानी से होने वाले काम और पानी के बिना होने वाले कामों की सूची तैयार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पानी से होने वाले काम, खाना बनाना, सफाई करना, सिंचाई करना, मत्स्य पालन, परिवहन, नहाना धोना, ये सब पानी से होने वाले काम हैं। जो आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे पानी के बिना होने वाले काम, जैसे बोलना, हम बोल रहे हैं तो पानी के बगैर, चलना, पढ़ना, खेलना और लिखना, ये पानी के बगैर होने वाले काम हैं। इसके बाद देखेंगे हम सप्ताह 10 में ही दिवस 2 पुनरावृत्ति 2 प्रश्न 1, आपने अपने परिवार के सदस्य के अलावा और किससे क्या क्या सीखा, लिखिए। तो हमने अपने परिवार के अलावा हमारे पास पड़ोस गुरुजनों से सदाचार की शिक्षा प्राप्त की, ऐसे हम लिख देंगे। इसके बाद में 2 प्रश्न है, आपके घर में कौन कौन रहता है उनके नाम लिखिए, और उनका आपसे क्या रिश्ता है लिखिए। जैसे परिवार के सदस्यों के नाम, श्यामलाल दादा हैं, खेमवती दादी है, सोहनलाल पापा पिताजी
है, अनारवती मम्मी है और ममता बहन है। तो इस तरह से हम परिवार की सूची बना देंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न तीन है, चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ, दूसरा तो दूसरा चित्र बहुत आकर्षक लग रहा है, सुंदर लग रहा है, सजावट वाला है और ये सिंपल है। तो हम देखेंगे इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न एक, दोनों में से आपको कौन सा चित्र अच्छा लगा और क्यों? चित्र नंबर दो अच्छा लगा क्योंकि इस चित्र में मकान की सजावट एवं सुंदर वृक्ष एवं हरियाली का नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। सेकंड है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है, समझ में आ रहा है, लिखिए। तो चित्र नंबर एक में खाली मकान है जिसमें सुंदरता ना के बराबर है, जबकि चित्र दो में सुंदरता है, इसलिए चित्र दो अच्छा लग रहा है। अब देखिए आप इसमें प्रश्न चौथा है, आप अपने घर को कब कब सजाते हैं और कैसे? हम हमारे घर को दीपावली के त्यौहार में सजाते हैं जिसमें हम घर को साफ सफाई एवं पुताई कर रंगोली डालते हैं। तो इस तरह से हम लिख देंगे। प्रश्न पाँच, स्वाद के अनुसार खाने की चीज़ों के नाम दिए हैं गए गोलों में लिखिए। जैसे मीठा, इसमें रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, मिठाई, फिर खट्टा तो इमली, आम, संतरा और नींबू, कड़वा कौन कौन सी चीज़ें, करेला, नीम, जंगली खीरा, क्रैनबेरी, ये कड़वी चीज़ें हैं। प्रश्न छः है, हम सभी को अलग अलग तरह का भोजन पसंद है, नीचे दी गई खाली जगह पर आयु के अनुसार पसंद के खाने की चीज़ें नाम लिखिए। जैसे बच्चा है तो दूध, दाल, चावल और बिस्कुट ये ज़्यादा पसंद करता है। जवान रोटी, दाल, चावल, सब्जी, पूड़ी ये पसंद करता है। बूढ़ा रोटी, चाय, दाल, चावल, सब्जी आदि ये पसंद करता है। इसके बाद चित्र प्रश्न सात है, दिए गए निर्देशानुसार चित्र बनाइए। नंबर एक, हंसता हुआ चेहरा और रोता हुआ चेहरा। तो हम हंसता हुआ चेहरा को इस तरह से बना लेंगे और रोता हुआ चेहरा को इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह हमारे दोनों चित्र बन जाएंगे। प्रश्न आठ, इसमें पूछा गया है कि सही शब्द चुन करके लिखिए। नंबर एक, राजू मंच पर आंखों, चेहरों के हाव भाव एवं हाथों के इशारों का प्रयोग कर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाता है। वह है कौन सा खालिस्तान कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हास्य नाटक कर रहा है कि मुख्य अभिनय कर रहा है? तो मुख्य अभिनय यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद मोहन उंगलियों से खालिस्तान पता लगा लेता है कि रेडियो चल रहा है या बंद है। तो छूकर, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, छूकर। तीसरा है, जो लोग सुन बोल नहीं सकते वो दूसरों की बात खालिस्तान समझते हैं, इशारों से या अनुमान से? तो इशारों से समझते हैं। तो इस तरह हमारी पुनरावृत्ति जो है अभ्यास पुस्तिका की एक और दो हल हो जाती है। सहे बच्चों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।